हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी रेवाड़ी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेवन्थ क्लास एट्थ लेसन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेवन्थ क्लास का एट्थ लेसन, वेयर टाइगर स्विम, यानी कि इसकी जो थीम है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ है। ये जो टाइगर है वो कहाँ पर स्विम करते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इंट्रशंस को कहते हैं वॉयलेशंस, यानी कि अनुचित हस्तक्षेप्स, यानी कि किसी चीज़ में बिना बात के टांग अड़ाना, बिना बात में उसके बीच में हस्तक्षेप करना, ठीक है। उसके बाद आता है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग का मतलब होता है श्रिंकेज, यानी कि सिकुड़न ह्रास, किसी चीज़ का मतलब धीरे धीरे वो चीज़ नष्ट होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो लेसन है वो किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में है, ठीक है, सुंदरवन के बारे में है। सुंदरवन जो सुंदरवन है, उस जगह है वो, उस वहाँ के बारे में है, ठीक है। तो वहाँ के जो वन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या के कारण उन वनों, उन पेड़ों को काटा जा रहा है, और जिसके कारण से वो है जो जो वन है, जो जंगल है, वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, थीके? उसको हम क्या बोलते हैं, सिकुड़न ह्रास। उसके बाद आता है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है स्नैपी। स्नैपी का मतलब चपल, चालाक, यानी कि चंचल सा, चालाक सा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है, वो जहाज या नाव का अग्रभाग, यानी कि जो जहाज होती है ना, वो जो जहाज भी कौन सी, वो छोटी वाली जो वेसल्स होती है, उसका जो ये अग्रभाग होता है, जो चोंच वाला जो उठा हुआ भाग होता है ना, उस वाले भाग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है सेल्फ रिपोर्ट्स, यानी कि पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप वगैरह करना। उसके बाद आता है हमारा प्रोलिंग्स। प्रोलिंग्स का मतलब होता है प्रोलैंड, प्रोलैंड में प्रणोदी। और उसके बाद आता है मोमेंटरीली, यानी कि फ्यूगरेटिव, ये क्षणिक, बिल्कुल क्षणिक, क्षणभंगुर, ठीक है, कि कोई चीज़ है वो अभी से, जैसे कि ये चीज़ है, अब मैंने यहाँ पे इसको, इस मार्क को कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया था, कैसा था, क्षणिक था, जैसे कि पानी की बूंद का, पानी की बूंद का एक पत्ते के ऊपर रुकना और फिर वो ढलकर गिर जाना, वो क्या हो गया, क्षणिक हो गया, टेम्परेरी हो गया, मिट्टी में जाने के बाद वो मिल जाती है, पता ही नहीं चलता बूंद गिरी हुई है नहीं गिरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिस्टेनियस। इसका मतलब होता है क्रिस्टेजियस, यानी कि कड़े खोल वाला जानवर, ठीक है, कोई जानवर होगा जो कड़ा, जिसका खोल कैसा है, कड़ा खोल है। उसके बाद आता है हमारा स्लिक। स्लिक का मतलब होता है कनिंग, कनिंग, चालाक, ये मीठा बोलने वाला, मीठा मीठा बोल के अपनी बातों में जो फंसाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चालाक किस्म के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जुटी। जुटी का मतलब होता है मॉल, घाट या छज्जा, किसी चीज़ का कोई घाट है या फिर छज्जा है, जो आगे का भाग जो निकला हुआ, जैसे कि हमारा सपोज कोई कि हमारे ये नीचे है समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं वो इस चट्टान से टकरा रही है, तो इस चट्टान का जो ये वाला हिस्सा, ये टूटकर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर मिलता चला जाएगा। जैसे जैसे लहरें इसको हिट करेंगी, इसके ऊपर टकराएंगी, तो ये खोखला होता चला जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, एक छज्जे की तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिस्केटेड। इसका मतलब है सीज, जब्त करना किसी चीज़ को, अपने अधिकार में ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोचर्स। पोचर्स का मतलब होता है स्वीपोकर, शिकार चोर, जो शिकार, जो शिकार वगैरह होते हैं उनकी चोरियां करने वाला। नेक्स्ट हमारा स्क्योर। स्क्योर का मतलब पर्स, पर्स छान डालना, घिसना, किसी चीज़ को छानना या फिर घिसना, इस तरीके से घिसना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्टुरियस। एस्टुरियस को रिलेटिंग टू द माउथ ऑफ ए लार्ज रिवर्स वेयर इट मीट्स द सी। इसका मतलब क्या है, ये नदी का चौड़ा मुहाना, रिलेटिंग टू द माउथ ऑफ ए लार्ज रिवर्स, एक जो जो नदी का जो मुहाना होता है, जो चौड़ा मुहाना होता है, वो क्या करता है, वहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं और फिर वो जाके कहाँ गिर जाती है, समुद्र के अंदर। जैसे कि ये जो दो नदियाँ हैं, ये यहाँ से आके मिलेंगी, दोनों यहाँ पे आके मिलेंगी, चौड़ा वाला मुहाना हो गया, और ये क्या है हमारा, नीचे क्या है, समुद्र है, सी है, इसके अंदर आके ये मिल जाएंगी, ठीक है। इसके इसको क्या बोला गया है, एस्टुरियस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फर्गिल्स। फर्गिल्स का होता है फ्रेल, नाजुक, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर सा, नाजुक सा। नेक्स्ट हमारा मर्स कीपर्स। मर्स कीपर्स का मतलब है ए फिश दैट कैन सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एक इस तरीके की मछली है, एक इस प्रकार की मछली है जो पानी के अंदर तो जिंदा रहती है मछलियाँ, ठीक है, लेकिन वो सरफेस के अंदर, जो लैंड सरफेस है वहाँ पर भी वो जिंदा रह सकती है, ठीक है, या जमीन में और पानी में दोनों जगह जिंदा रह सकती है, एक इस प्रकार की मछली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है, इस लेसन के अंदर ऑथर है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, ठीक है। ऑथर है वो सुंदरवन के अंदर जाता है
और फिर वहाँ पे जो जो चीज़ें देखता है, जिन जिन चीज़ों को वो फील करता है और जिन चीज़ों को वो देखता है, उन सारी चीज़ों को हमारे लेसन के अंदर डिस्कस करता है। जैसे अगर द रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है, बट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लेक्ट एंड क्यूरिलिटी, लेकिन ह्यूमन जो मनुष्य जो है वो क्या करे, वो इनकी जो लापरवाही है उसके कारण और उनकी जो निर्दयता के कारण है, दे आर एन एंडेंजर्ड स्पीसीज टुडे, ये जो प्रजातियां हैं ये आज खतरे के अंदर आ गई हैं। दिस अकाउंट इज टेकन फ्रॉम द बुक्स, ये जो दिस अकाउंट मतलब आज जो हमारा जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर टाइगर स्विम, ये जो जो लेसन है वो कहाँ से लिया गया है, द सुंदरवंस इनहेरिटेंस, इस बुक से लिया गया है। इट नरेट्स ऑथर्स एक्सपीरियंस, ये क्या नरेट्स करता है, किसके बारे में वर्णन करता है, ऑथर के एक्सपीरियंस के, जो हमारा लेखक है उसके एक्सपीरियंस को शेयर करता है, उसके अनुभव को बताता है, ऑफ एनकाउंटरिंग दिस मैग्निफिसेंट बीस्ट, कि उसने इन बीस्ट को किस तरीके से देखा और फिर उसकी जो फीलिंग थी वो क्या फीलिंग थी, एंड एक्सप्लेन हाउ टाइगर्स हैबिटेट्स इज सिंकिंग ड्यू टू ह्यूमन इंट्रूजन्स, और जो टाइगर्स हैं वो मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, उन टाइगर्स के साथ अनुचित हस्तक्षेप करने के कारण उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है, इसके बारे में ये हमें इस लेसन के अंदर हमें पता चलेगा। जैसे हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है तो जो हमारा ऑथर है वो कहता है कि ये जनवरी 2001 की बात है, ठीक है, 2001 की बात है, जब हमारा जो लेखक है वो सुंदरवन के अंदर जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जनवरी का मंथ होता है और 2001 की बात होती है, उस टाइम पे जो हवा है वो ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है, ऑथर के जो बाल है वो हवा के अंदर इधर उधर लहरा रहे होते हैं। ऑथर क्या करता है, एक विसल्स लेके, एक जहाज लेके और उस सुंदरवन की क्या करता है, सैर करने के लिए निकल पड़ता है, वहाँ के कुछ गाइड्स को लेके, कुछ लोगों को साथ लेके वो वहाँ पे कहाँ जाता है, उस सुंदरवन की सैर करने के लिए चला जाता है। और जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो जब वो पानी के अंदर से जा रहा होता है, उस समुद्र के अंदर से जब वो जा रहा होता है, देख रहा होता है, तो क्या देखता है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के अंदर कई लकड़ी का लट्ठा है, वो लोग हैं, वुड ऑफ लोग है, वो तैर कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऑथर जब वो उसके पास जाता है, वहाँ तक जाता है, तो और विंड भी, हवा भी है, वो भी काफ़ी स्पीड से चल रही होती है, तो उनका जो उनकी जो नाव होती है, जो ऑथर की जो नाव होती है, जो बोट्स होती है, उसको भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती है। तो फिर उसके बाद जो हमारा ऑथर है वो 250 मीटर्स के पास जाके जब वो देखता है, यानी कि जहाँ से वो बैठता है वहाँ से जाने के बाद 250 मीटर्स जब वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जिसको वो क्या समझ रहा था, लॉग ऑफ वुड समझ रहा था, वो लॉग ऑफ वुड नहीं था, एक्चुअल में वो क्या था, एक खून से सना हुआ क्या था, हड्डी और मांस से सना हुआ था, ठीक है, यानी कि टाइगर ने किसी जानवर को, किसी जंगली जानवर को मारकर और उसको खा रहा था। ऑथर ये सब कुछ देख के सरप्राइज हो जाता है, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और ऑथर सोच रहा है कि ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और फिर उसको काफ़ी देर के बाद ये रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअल में कहाँ पे है, सुंदरवन के अंदर खड़ा हुआ है। और फिर लेखक सोचता है, लेखक के बचपन से ही मतलब ऐसी जिज्ञासा रहती है, ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है कि वो सुंदरवन के अंदर जाए और वहाँ की लाइफ को देखे, ठीक है, बहुत पास से देखे। जब लेखक वहाँ पे जाता है और उसको टाइगर को अपने सामने जब देखता है तो वो एकदम से शॉक रह जाता है कि उसने रियलिटी में क्या, किसको देख लिया है, टाइगर को देख लिया है, तो एकदम से चौंक जाता है और फिर उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वो आरा जब लेखक को बाद में कुछ मिनट बाद जब उसको होश आता है, यानी कि वो जब अपने कॉन्शियस के अंदर आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब वो कहाँ पे खड़ा है, सुंदरवन के अंदर ही खड़ा है, तो वो देखता है
कि यहाँ पे तो जो टाइगर है वो उसको साक्षात देखता है और वो कहता है टाइगर्स आर वेरी पावरफुल स्विमर्स की। और उसको जब लेखक जब बोलता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्विमर्स होते हैं, जबकि ऐसा तो हम उसने पहले कभी सुना हुआ नहीं है, कभी पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसको काफ़ी सरप्राइज होता है कि ये बिल्ली के जैसा दिखने वाला और ये क्या कर रहा है ये इतना, मतलब पानी के अंदर जो हमारी जो हवा है, हवा की जो रफ्तार है वो इतनी स्पीड से चल रही है कि हमारा जो बोट है वो उसको भी चलने में काफ़ी, हमारे जो वेसल्स है इसकी शेप इस तरीके की है, वी आकार की उसकी है, इसका मतलब क्या होता है कि पानी को अच्छे से काटता हुआ आगे चला जाए। इसको भी जाने में तकलीफ हो रही है, इसको भी जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन जो वो एक बिल्ली के जैसा दिखने वाला जो जानवर है वो इतनी स्पीडली इतनी अच्छे तरीके से स्विम करके और वह उस पानी से निकल जाता है। तो ये सब कुछ देख के उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और फिर बाद में जाके वो क्या करता है, जैसे वहाँ से घूम के आने के बाद वो काफ़ी सारे जानवर्स को भी देखता है जो क्या कहते हैं, जो उसकी सुंदरवन की जो दलदली जो भूमि है उसके अंदर जो कीट पतंगे होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल क्रिएचर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको अपनी लंबी बीक से निकाल कर खा रहे होते हैं, ये सब कुछ जब लेखक अपनी आंखों से देखता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को देख रहा है, वो इन सब चीज़ों को अनुभव कर रहा है, और वो काफ़ी हैरान होता है। बाद में जब वो रात को जब जाके वो एक जगह पर अपना टेंट वेंट लगा के वहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद लेखक फिर जाता है और वहाँ के अंदर जो मैंग्रोव सुंदरवन के अंदर जो मैंग्रोव वन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है वहाँ पे जो वो जाके देखता है 65 प्रकार के जो प्रजातियाँ हैं मैंग्रोव्स की, वो उन सबको देख के लेखक काफ़ी सरप्राइज रहता है। वो इन सारी चीज़ों को देख के काफ़ी सरप्राइज रहता है, क्योंकि जैसा कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, जैसा कि हम उसमें मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो उसमें कुछ और होता है और जो हमारा जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो कुछ और होता है। तो लेखक के साथ भी वही हो रहा है कि अब वो जो चीज़ें वो जिसको वो किसके अंदर देख रहा था, मूवीज़ के अंदर देख रहा था, बुक्स के अंदर देख रहा था, उन चीज़ों को वो रियलिटी के अंदर देख रहा है कि रियलिटी में एक्चुअलिटी में ये होती क्या है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद जब लेखक को काफ़ी जब उन सारे जो एनिमल्स हैं उनको देखता है, इंसेक्ट है उनको देखता है, तो लेखक काफ़ी ज़्यादा सोचता है। और लेखक इस तरीके की मछली भी देखता है जो पानी के अंदर भी चल सकती है और ज़मीन के ऊपर भी चल सकती है, इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे प्राणी देखता है, जिसको देखने के बाद लेखक का सरप्राइज है वो बढ़ता ही जाता है, उसका जो आश्चर्य है वो बढ़ता चला जाता है। बाद में लेखक है वो वहाँ के सुंदरवन के अंदर जो प्राणी जो रह रहे हैं उनके बारे में सोचता है कि ये किस तरीके से प्रकृति के विपरीत होकर वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, प्रकृति के विपरीत होकर ये यहाँ पे लड़ रहे हैं और अपना निर्वाह कर रहे हैं, और वहाँ पे जो मैन है वो भी किस तरीके से प्रकृति के विपरीत होकर वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को क्या है फेस कर रहे हैं, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, उन सब के बारे में जब वो सोचता है, क्योंकि समुद्री इलाका है तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा रहती है और इसी कारण से वहाँ का जो 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 मिट्टी होती है वो कैसी होती है, दलदली सी चिपचिपी सी होती है। लेखक को लगता है कि जैसे कि वहाँ की जो सैंड होती है ऐसा लगता है कि उसको चॉकलेट का, जैसे चॉकलेट होती है हमारी वैसे ब्लैक कलर की सी चॉकलेट का कलर होता है, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सैंड के ऊपर क्या डाल रखी है, चॉकलेट डाल रखी है और इसको पानी के अंदर डालकर मिला दिया गया हो, ऐसा लेखक देखता है, लेखक अनुभव करता है। और फिर वहाँ के जब लोगों को देखता है तो उन लोगों को देखने के बाद भी लेखक को ऐसा लगता है कि ये देखो प्रकृति के कितने विपरीत होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि फिर एकदम से जब सूर्य लेखक के सर के ऊपर चमकता है, सूर्य है, ऐसा बुक के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो जब लेखक के सर पे पड़ती है तो लेखक बोलता है कि सन ने भी अपना ड्रामा शुरू कर दिया है, ड्रामा मतलब कि उसने भी चमकना शुरू कर दिया है, उसने भी अपनी हीट फैलानी शुरू कर दी है। और ऐसे जो इलाके होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या होता है ह्यूमिडिटी होती है, उमस होने के कारण क्या होता है कि बारिश लगातार बारिश होती रहती है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसे हो जाती है, दलदली और चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है, मड्डी मतलब कि मिट्टी कैसे होती थी, एक मड के कीचड़ की जैसी हो जाती है। तो लेखक कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या कर रहे हैं, इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जो हमारा जो सुंदरवन है जो कि धरती के ऊपर स्वर्ग बताया है, लेखक ने बताया है कि अगर
मैं तो स्वर्ग जाना भूल ही गया था, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं स्वर्ग के अंदर आ गया हूँ। लेखक अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और कह रहा है कि मैं जब सुंदरवन के अंदर खड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं स्वर्ग के अंदर खड़ा हूँ, मैं पैराडाइज के अंदर हूँ। और ये जो हमारा स्वर्ग है, धरती के ऊपर जो हमारा स्वर्ग है, सुंदरवन जो डेल्टा जिसके बारे में बताया गया, और डेल्टा भी है, संसार का काफ़ी बड़ा डेल्टा है, उसके बारे में बताया गया है। जब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग के अंदर आ गया, वहाँ की हरियाली देख के, मैंग्रोव लंबे लंबे पेड़ों को देख के, इन सबको देख के, वहाँ के जो जितने भी जो स्पीसीज थे, जो जीव जंतु थे, उन सबको देख के, अलग अलग तरह की जो प्रजातियाँ थी उन सबको देख के लेखक को बहुत खुशी भी होती है लेखक को, और काफ़ी हैरानी भी होती है। लेकिन लेखक को दुख इस बात का होता है कि जैसे हमारा रॉयल बंगाल का जो टाइगर है, जो नेशनल जिसको हम नेशनल एनिमल जिसको हमने नाम दिया है, और उसको मनुष्य क्या कर रहे हैं, जो कुछ शिकारी है, जो चोर शिकारी है, वो उसको मार रहे हैं, और मारने के साथ साथ उसकी जो स्किन वगैरह है उसको बाजार के अंदर बेच रहे हैं। तो लेखक इस चीज से दुखी भी है कि इन सब चीज़ों को खत्म करते जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले 20 साल 10 साल आगे जितना भी टाइम आए उस टाइम के बाद ये सारी चीज़ें जो आज जो लेखक देख रहा है वो सारी चीज़ें सिर्फ हमें बुक में ही नज़र आए, रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नज़र ना आए। तो इस वजह से लेखक को दुख भी हो रहा होता है कि इन पेड़ों बढ़ती जनसंख्या के कारण जगह की कमी के कारण क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों को काटने के कारण क्या हो रहा है कि जो जंगली जो जितने भी जो जीव जंतु थे, जो शेर चीता भालू जो भी प्राणी जो जंगल के अंदर रह रहे थे, उनकी जो जगह है वो कम होती जा रही है, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, और उनको कहाँ भेजा जा रहा है, जू के अंदर भेजा जा रहा है, जो चिड़ियाघर है उनके अंदर उनको रखा जा रहा है। तो यानी कि उनकी जो फ्रीडम थी वो नष्ट की जा रही है। तो लेखक कह रहा है कि जो मनुष्य है वो अपना अनुचित जो हस्तक्षेप कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, ठीक है। तो लेखक को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, इसलिए लेखक कह रहा है कि मनुष्य अगर इन चीज़ों को ना करे, अगर जो हमारे जितने भी जंगली जानवर हैं उनको उनका शिकार ना करे और उनको मार्केट के अंदर ना बेचे, तो जब ये हमारे हमारे इकोसिस्टम को चलाने के लिए भी इनका होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे जो छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जैसे कि छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, तो एक रिसाइकल सिस्टम है, उसको भी ये मतलब इफेक्ट होगी, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो वही बात है, छोटा जो छोटा जंतु है वो किसको खाएगा, वो अपने से जो उससे जो बड़ा होगा वो उसको खाएगा, फिर उससे बड़ा होगा वो उसको खाएगा। इस तरीके से हमारा इकोसिस्टम चल रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट जो चल रहा है, ये साइकिल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब शेर नहीं रहेगा तो जो हिरण वगैरह है जिनको शेर मारकर खाता है, उन जानवरों की संख्या बढ़ेगी, और अगर उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी इसलिए मारा जा रहा है ताकि उनकी स्किन को बाजार में कुछ पैसों के लिए उनको बेच दिया जाता है, और उनके जो जैसे कि एलिफेंट्स है उसके जो दांत वगैरह है उनको बेच दिया जाता है, उसे आभूषण वगैरह बनाने में उनका यूज़ होता है। तो लेखक को इन सब चीज़ों से दुख भी होता है, काफ़ी उसको तकलीफ़ भी होती है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन लेखक क्या कर सकता है, लेखक सिर्फ अपने इन एक्सपीरियंस को शेयर करके सिर्फ यही बता सकता है कि मनुष्य प्रकृति के अंदर यानी कि वनों के अंदर जो हमारे जो जंगल हैं उनके अंदर अपना हस्तक्षेप ना करे, यानी कि अनुचित हस्तक्षेप, यानी कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। हस्तक्षेप करे अगर वो उसको सही तरीके से, अगर वो उसकी देख रेख कर रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो ही उसको हार्म कर रहा है, वही उसको नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे जितने भी जंगली जो जानवर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ मैन ही मैन और लैंड ही लैंड नज़र आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे और जो भी जंगल के अंदर जो जीव जंतु हैं वो सब मनुष्य अपने निर्दयी बिहेवियर से उसको ख़त्म कर देगा। और इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो ख़त्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।